हाल ही में एसीपी के अधिकारियों ने कीसरा तहसीलदार नागराज जिन्होंने 1,10,00,000 रुपए की रिश्वत ली थी, ये घटना सामने आई थी। अभी एसीबी ने बुधवार को मेदक के अतिरिक्त कलेक्टर गद्दम नागेश के घर पर छापा मारा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने नरसापुर के एक किसान से 1,12,00,000 रुपए की रिश्वत ली थी। एसीबी की टीम ने बुधवार सुबह मेदक के माचारम स्थित गद्दम नागेश के सरकार आवास पर छापा मारकर तलाशी शुरू कर दी है, जिनके साथ 12 और राजस्व अधिकारियों का हाथ होने की खबर से सबके घर में एक साथ तलाशी हो रही है। नागेश के घर से मीडिया से बात करते हुए एसीपी डीएसपी सूर्यनारायण ने कहा कि वह किसान से मिली जानकारी के बाद छापे मार रहे हैं और कहा कि सभी विवरण शाम 6 बजे पूरी तलाशी करने के बाद दी जाएंगी। ग्रुप 2 कैडर के अधिकारी नागेश ने तेलंगाना के कई मंडल में तहसीलदार और निजामबाद जिला के आरडीओ के रूप में काम किया है। राज्य सरकार द्वारा पिछले फरवरी में संयुक्त कलेक्टर के पद को बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2 अतिरिक्त कलेक्टर पद बनाने का निर्णय लेने के बाद वे मेदक जिले के अंतिम संयुक्त कलेक्टर भी है। नवभारत समाचार से रामेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।